कौशल द मोटर माउथ और आज मेरे साथ है मिस्टर राजेश कावा। पूरी इंडस्ट्री इन्हें मिस्टर राजू कावा के नाम से जानती है और मैं इन्हें बोलती हूँ मिस्टर राजू जी कावा जी। कैसे आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सुनल जी, कौशल जी। तो छोटा भीम और जग्गू बंदर एक साथ है आपके सामने। तो मैं आपसे छोटा भीम की आवाज में बात करती हूँ और आप जग्गू की आवाज। बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। आई कांट बिलीव इट। मतलब आप कर कैसे लेते हैं बंदर की आवाज? हर इंसान में कोई ना कोई प्राणी बसा होता है। अच्छा। तो मुझ में बंदर बसा है। उछल कूद करता हुआ, हंसता खेलता हुआ बंदर। तो वो हो जाता है क्योंकि ये 10 साल हो गए। पहले जैसे कोशिश करते थे, अभी कोशिश नहीं करनी पड़ती। रात को 3 बजे कोई उठाया, अरे वो जग्गू वाली आ। हाँ, कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं? कभी एक्चुअली ऐसा हुआ कि आपको रात को सपने में जग्गू आया हो या कुछ ऐसा अटपटा कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन रात को नींद से जाके मैंने जग्गू बंदर की आवाज निकाली। ये तब जरूरत पड़ी थी जब किसी मेरे फैन का फोन आया था। तो उनके छोटे बच्चे को सुनना था और जग्गू की आवाज में मैंने बात की। रात को लगभग 1:30-2 बजे थे और मैंने बच्चे वाली वो आवाज में जग्गू वाली आवाज में शुरू किया। अच्छा, तो आपने बताया कि शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ। तो जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्री में हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना पड़ता है। यस। तो आपने भी जग्गू के लिए ऑडिशन किया होगा? बिल्कुल ऑडिशन किया था। और तभी मुश्किल मेरे लिए ये था कि आपने देखा होगा छोटा भीम टीम में सारे इंसान, ये अकेला है जानवर जग्गू, तो सब बोलते हैं नॉर्मल लगता है क्योंकि इंसान है। अभी जग्गू बोलेगा नॉर्मल नहीं लगेगा, इंसान नहीं है वो, बंदर है बंदर। लेकिन उसको बंदर को नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग ने सोचा कि उसको ऐसी कोई वॉइस, ऐसा कोई टेक्सचर दिया जाए जो थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ ये बंदर ही है। मेरा ये मानना है नो लैंग्वेज इज मोर देन लैंग्वेज। कई बार कई भाषा नहीं होती, लेकिन मुझे वो जो शब्द बिना शब्दों के जो होते हैं, जैसे आप सबने देखा होगा और जग्गू के डायलॉग से पहले या डायलॉग के बाद जो होता है ना, मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो लोगों के साथ जुड़ गया है। हाँ, फिर वो जब खुश होता है ये कुछ चीजें, तो वो नो लैंग्वेज इज मोर देन वन लैंग्वेज वाली जो प्यार और जो जगह को मिला है। मेरा ये मानना उस वजह से ज्यादा मिला। जब मैं भी डब कर रही होती ना छोटा भीम के लिए, और जब जग्गू का ये पार्ट आता है ना जंग का, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। जग्गू हर एक दिल में बसा है, तो हर कोई प्यार करता है जग्गू से। हाँ। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में मिस्टर राजू कावा को एनिमल वॉइस स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या राज? इसके पीछे राज तो अभी मैं भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन बचपन में जो शरारत करते करते जो खुद में कुछ जो चीज़ें ढूंढनी है वो वाला लड़कपन वाला जो पीरियड होता है ना, उसमें ऐसा हो गया कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ वेड़ पर यहाँ वहाँ चढ़ते थे, तो वहाँ ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे में ये चिड़िया है, लव बर्ड्स हो, कैसे हुई ये पता नहीं। हालांकि ये मेरा एक वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, दांत आड़े टेढ़े मेरे, तो ये जो ऊपर एक दांत चढ़ा दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने, तो वो जो ऊपर चढ़ा दांत है उससे मैंने एक ऊपर वाली चीज ढूंढ ली, वो है ये पंछियों की आवाज। उसके अलावा जैसे ये बंदर तो सब जानते हैं जग्गू, और क्रिश में मैंने राकेश सर ने बुलाया था, तो वो बड़ा वाला जो चिंपैंजी टाइप बंदर था उसके सारे रिएक्शंस मैंने दिए थे वो। okay. हालांकि कोई शब्द नहीं थे, लेकिन वो ये सब था। तो और एक्चुअली ये करना ज्यादा मुश्किल होता है ना। यस यस, डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, बट ये रिएक्शन देना वो भी जानवर के साथ सिंक में। बराबर, ये तो वो तो ओरिजिनल जानवर है, उसने अपनी मनमर्जी से कर लिया, मुझसे करवाया जा रहा है, और वो भी डायरेक्टर राकेश रोशन जैसा बड़ा नाम है। कई एड्स में और कुछ फिल्मों में डॉगी कुत्ता बोलना मना है, लेकिन मैं बोलूंगा, आज कुत्ता बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे डॉग को कुत्ता नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे? हालांकि कुत्ते, हाँ ये सच्चाई है, मैं ऑडियंस को बता दूं व्यूअर्स को कि हम जब भी कोई भी एपिसोड डब कर रहे होते हैं तो हम कुत्ता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें हिंदी बोलनी होती है, लेकिन हम कुत्ता नहीं बोल सकते क्योंकि ये थोड़ा ऑफेंसिव है कहा जाता है, सो हम डॉगी बोलते हैं, डॉगी इज द सेफ वर्ड। हाँ, तो कुत्ते की यानी कि डॉगी की जो आवाज निकालनी होती है कुछ एड्स के लिए, फिल्मों के लिए, तो ये भी मेरी वो बचपन की एक शरारत ही है जो मैं बच्चों को डराया करता था, मेरे क्लासमेट्स जो उनको मैं, अगर कोई बच्चा भोला भाला चल रहा है बैग लेके, तो मैं पीछे से जाता था और कमर के हिस्से पे गॉड तो मर गया करके भाग जाता था बच्चा।
तो वो जो तभी मजा आता था, लेकिन कभी कभी लगता था यार वो डराना नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, हंसना डरना सब जिंदगी का एक हिस्सा है। कुछ वो और भी है चित्र विचित्र जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मेंढक हो गए, ये कुछ स्पेशल है, अलग अलग चीजें जहाँ जरूरत पड़ती है तो काव को बुलाओ वही करेगा। हाउसफुल में पैरट मैंने किया है, अरे वाह, साजिद खान वाली पहली, यस यस, उसमें पैरट का नाम था प्राड़ा, तो वो शायद लारा दत्ता का पैरट था, वो मतलब पंछी जो था, तो ये था। और साजिद खान भी बहुत खुश हुए थे। उसके अलावा कौवा, हालांकि मेरी सर ने, मैं ऑफिशियल मैं कौवा कर सकता हूँ, राजेश कौवा, तो कौवा तो ये वॉइस भी है, मतलब इधर कुछ सिस्टम लगाया हुआ है क्या? हाँ, कई रिकॉर्डिस्ट मुझसे फरियाद करते हैं कि यार हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता, सारे प्लगइन्स आपने गले में बसा रखे। हाँ, ये सही है, प्लगइन्स आपने सच में अपने गले में। कॉम्पिटिशन का जमाना है, ये सब तो करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी ब्यूटीफुल सी वाइफ है डिंपल जी, बिल्कुल है, उन्हें पटाने के लिए कुछ आवाज का जादू दिखाया था या नहीं? नहीं, वहाँ आवाज चेहरा सब फीका पड़ गया था, कोई जादू नहीं चल रहा था, दिल का मामला। हाँ, ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई थी। हालांकि हम लोग, मैं एक्टर भी हूँ, मैं गुजराती थिएटर, गुजराती सीरियल्स में एज एन एक्टर काम करता था, तब एक शो करते थे हम लोग, एक जी गुजराती नाम की एक चैनल हुआ करती थी उसके लिए, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और मैंने प्रपोज किया था आई लव यू, उन्होंने ना बोल दिया था, लेकिन एक महीने बाद उन्होंने हाँ कहा। ये कैसे हुआ, मतलब एक महीने बाद क्या हो गया था? क्योंकि मैं देवदास नहीं बना, मैं अच्छा बच्चा बना रहा, प्यार से बातें करता रहा, उनका केयर, उनकी केयर करता रहा, तो वो बात बदल गई, मतलब सिचुएशन बदल, फिर बात आगे बढ़ी फैमिली तक और शादी हो गई। आज मेरी 6 साल की बच्ची भी है। हाँ, उसे आप खुश करने के लिए कुछ वॉइसेस करते हो या उसको भी जरूरत नहीं पड़ती करने की? उसको जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि अभी वो भी खुद कुछ कुछ आवाजें निकल लेती है। आप बात कर रहे हो 6 साल की बच्ची, आ गया ना वो खून में, तो वो कर लेती है, हालांकि वो भी आर्टिस्ट है, उसने भी अभी अभी एक रेडियो का बड़ा शो किया मेरे साथ, जिसमें सेलिब्रिटी थे सुनील शेट्टी, जय बजरंगी नाम का शो, सुनील शेट्टी बजरंगी, फीवर 104 पे, यस, उसमें हनुमान जो है उनकी भूमिका, जो आवाज थी वो सुनील शेट्टी, बड़े राम जो थे जय श्री राम मैं, और जो छोटे राम की भूमिका थी, और छोटे राम की भूमिका मेरी बेटी मैनेसा। मेरी वाइफ भी अच्छी वॉइस आर्टिस्ट है, वो अच्छी एक्ट्रेस भी है, उन्होंने काफी शोज किए सब टीवी। मैंने रिसेंटली आपकी एक बीट बॉक्सिंग वाली भी वीडियो देखी थी जिसमें आपकी वाइफ गाना गा रही थी, yes, और आप बीट बॉक्सिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये रैंडम हो जाए, कोई तैयारी नहीं हुई है, सोनल गाना गाएगी और मैं बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ, कौन सा गाना? कोई भी, ये तो चीटिंग है। मैं भी कहाँ तैयार हूँ, चल कोई पुराना गा दूं। मेरे ख्वाबों में जो आए, आते मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। क्या बात, क्या बात, आलिया हो जाए सुनने के लिए, बहुत बढ़िया बीट बॉक्सिंग की आपके लिए यार। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें हैं, कला है, कुछ चीजें गॉड गिफ्ट है, लेकिन मुझे जो, हम अगर डबिंग की बात करेंगे वॉइसिंग की, तो मुझे डबिंग सिखाई गई है। अच्छा। मेरे बड़े भ्राता श्री, मेरे बड़े भाई मुकेश जी, मुकेश का, उन्होंने सिखाया, तो जो डबिंग वाली स्किल का जो श्रेय है वो उन्हें जाता है। ओके, और बीट बॉक्सिंग कैसे सीखी आपने? वो ऐसे सीखी कि ऐसे सीखी। हाँ, कुछ कुछ चीजें बस ऐसे ही हो जाती है, तो ये ऐसे ही हो गए। यस। ओके, तो मिस्टर राजू, अब हम आपसे कुछ टंग ट्विस्टर्स करेंगे। टंग ट्विस्टर्स, लेकिन वो हम आपसे नहीं करवाने वाले, वो हम जग्गू से करवाने वाले। जग्गू तैयार? तो कृपया ये प्लगइन जरा जग्गू पे सेट कर दीजिए। यकान यकान रेडी दिस वन। तो आपके लिए पहला टंग ट्विस्टर है, यस, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बहुत इजी है, बहुत इजी। पीतल के पतीले में, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट पतीला, इट्स पतीला, प्लीज। पतीला उल्टा हो गया। पतीला, पीतल के पतीले में तपीला, पीतल के
पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पीतल के मैं छोटा भी की आवाज में आपको करके बताऊंगी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीला पीता पीता। जब्बू तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, ये मैं ही कर लेता हूँ। अरे एटलीस्ट खाने पीने की बात हो गई, पीता पीता तो कुछ क्या है, खाता पीता रहने बंद। अरे ठीक है नेक्स्ट वन। बहुत इजी, आपने सुना ही होगा, बहुत सारी फिल्म्स में भी यूज होता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह की खड़कने से खिड़कती खड़क सिंह, मतलब प्लीज आ रहा है, आ रहा है। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियाँ खड़कती हैं और सब खड़कते हैं तो खड़क सिंह आ रहा है। छोटा भी कुछ कहना चाहता है। हाँ बोलिए। जग्गू तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने ही दो। अच्छा अब हैरी पॉटर की भी आवाज दे चुके। बिल्कुल बिल्कुल, हैरी पॉटर छठी सातवीं और आठवीं फिल्म है, मतलब आखिरी हैरी पॉटर की आवाज में। कभी ऐसा हुआ कि आपको सड़क पे कोई फैन मिल गया हो? और हाँ मेरे को मिले, बहुत मिले हैं, हालांकि मुझे अपने पीछे एम्बुलेंस लेके घूमना पड़ता है, कई लोग मुझे देख के बेहोश हो जाते हैं। लड़कियां तो क्या कहूंगा। नहीं देखिए ऐसे लड़कियों के बारे में मत बोलिए, अभी भी देखेंगी आपका ये इंटरव्यू। एडिटर साहब काट दीजिए। अब हम एक अहम बात आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। सोनल जी शुरू करेंगे। हमने एक रिसेंटली एक वॉइस एकेडमी शुरू की है जिसका नाम है वायलेट विंग वॉइस एकेडमी, और वो बहुत अच्छी जा रही है। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप सबसे, लेकिन इतना अच्छा आया कि हमें एक बैच के बाद एकदम से दूसरा बैच शुरू करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे आ गए थे स्टूडेंट्स। में बच्चे कहने वाली थी, बट बच्चे नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि वॉइसिंग क्या है, डबिंग क्या है। पहले एक वक्त था जब टीवी तक ही बात सीमित थी, उसके बाद एक दौर आया जब लोगों को एफएम के बारे में पता चलने लगा, और उसके बाद डबिंग की जो दुनिया है वो लोगों तक पहुंच गई है कि इंग्लिश फिल्में हिंदी में, साउथ की रोज फिल्में इतनी हिंदी में, कार्टून है कितनी सारी चैनल्स, सब कुछ तो लोगों को पता चलने लगा, और लोग सीखना चाहते हैं, अपने आप को उस एंगल से ग्रूम करना चाहते हैं, तो अच्छा लगा। मैंने 20 साल के करियर में बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट देखे जो सिंग ठीक ठाक करते, डबिंग करते, वॉइस मॉडल, बट राजू का वॉइस इज द बेस्ट। हमारे राजू भाई ने हमारे लिए बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जैसे कि फ्रेंड्स इन द मेट्रो, रामायण, क्या वो सच था। राजेश कावा एक बहुत ही कमाल के कलाकार है। कोई कैरेक्टर वो डब कर रहा है तो ऐसा लगता है कि वो उसी के लिए उसकी वॉइस बनी हुई है। वर्सेटाइल डबिंग आर्टिस्ट है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। डबिंग की बात करें तो हम उन्हें जो भी कैरेक्टर देते हैं उस कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। मैं उनके कभी पंचेस के लिए कहता हूँ कि राजू भाई ये लाइन और भी अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुझे उससे अच्छी लाइन बना कर देते हैं। उनकी की हुई डबिंग मुझे बहुत पसंद आती है, और मिक्सिंग करने भी मुझे बहुत मजा आता है। वो किरदार को समझते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और उसमें वो अपना 100 नहीं 200% देते हैं। उनसे लाइव कराओ, उनसे एनिमेशन कराओ, कोई भी आवाज, चिड़िया हो, बंदर हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, हर प्रकार की आवाज कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट वॉइस आर्टिस्ट आई हैव एवर नोन। सो डबिंग आर्टिस्ट राजू कावा जैसा होना चाहिए, ही इज लाइक रियली गुड, और मैं बहुत पसंद करता हूँ। राजेश कावा ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज और बातचीत सुनने के लिए आप पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद ना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बांटिए बांटिए इस चैनल को। लॉट है सेल है, जापान भी फेल है। क्या क्या क्या? लॉट है सेल है, जापान भी फेल है। ओके बट गया शेयर हो गया। लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वॉइस आर्टिस्ट जिसका मैं इंटरव्यू लूँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। और अगर आप इनसे कुछ जानना चाहते हैं तो इनका भी ऑफिशियल पेज है जो है राजेश कावा, बस नाम काफी है, नाम ही काफी है राजेश कावा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय।